त हेलो स्टूडेंट्स, असां अॼु टॉपिक जेका पढ़ूं था उहा पढ़ूं था पॉज़िटिव रेस या एनोड रेस या केनाल रेस, ठीकु आहे। या ही जेका एक्सपेरिमेंट हुयो हिन जे ज़रिए डिस्कवरी थी कंहिंजी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जी हिन एक्सपेरिमेंट जे ज़रिए छा थी, डिस्कवरी थी। हाणे हीअ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कंहिं कयो, गोल्डस्टीन इन 1886 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कयो, परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट एंड यूज्ड परफोरेटेड कैथोड। हिन जेको एक्सपेरिमेंट कयो उन में जेको हिन कैथोड यूज़ कयो उहो कहिड़ो कैथोड यूज़ कयो, परफोरेटेड कैथोड यूज़ कयो। माना जेको हिन कैथोड यूज़ कयो उन में हिन परफोरेशंस कयूं, माना सुराख कया। अहिड़े क़िस्म जो हिन मिसाल हीउ कैथोड आहे, हीउ कैथोड में असां कंसिडर कयूं था परफोरेशंस आहिनि, कैथोड में सुराख आहिनि। ऐं ॿी जेको सेटअप आहे ॿियो उहो साॻियो ई आहे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वारो, सेम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वारो सेटअप आहे। हीउ जेको आहे असांजो आहे एनोड, हीउ आहे असांजो कैथोड, दिस इज़ द कैथोड, हीउ असांजो छा आहे, दैट इज़ द एनोड। साॻियो ई हिते सेटअप, वैक्यूम पंप, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाणे जॾहिं अहिड़े क़िस्म जो हिन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कयो त हिन छा ऑब्ज़र्व कयो, हिन ॾिठो पिए त जेको हीउ कैथोड जी जेको बैक साइड ते जेको गिलास आहे, हीउ जेको गिलास आहे इहो छा पियो करे, गिलो पियो करे। हिते हिन छा ऑब्ज़र्व कयो, हिते कैथोड जी बैक साइड ऑफ द गिलास ते हिन गिलो ऑब्ज़र्व कयो, गिलो ऑफ द गिलास ऑब्ज़र्व कयो। जॾहिं असां डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ियोसीं त तॾहिं गिलो किथे पियो थिए, उहो हिन कैथोड जी अपोज़िट साइड, माना हिते पियो गिलो थिए, ठीकु आहे। त उन एक्सपेरिमेंट मां ख़बर पए पई त कुझु अहिड़ा रेज़ जेके हेॾां अचनि था जेके हिते स्ट्राइक कनि था जंहिंजे करे गिलो प्रोड्यूस थिए। हिन ऑब्ज़र्व कयो त कैथोड जी बैक साइड ते गिलो पियो थिए। हा, इहो गिलो जेको हुयो उहो जॾहिं परफोरेशंस कोन हुयूं कैथोड में त शो न पियो थिए, पर जॾहिं परफोरेशंस कयूं हुयूं कैथोड में त हिन छा पियो थिए, गिलो पियो ॾिसण में अचे, गिलास गिलो पियो थिए। त इन एक्सपेरिमेंट मां गोल्डस्टीन इहो ऑब्ज़र्व कयो त कुझु रेज़ आहिनि जेके हिन तरफ़ बि अचनि था, जेके परफोरेशंस जेके आहिनि उन्हनि मां निकिरी ड्यू टू द परफोरेशंस हिते स्ट्राइक कनि था, ऐं हिते स्ट्राइक करण जे करे छा पियो थिए, गिलो पियो थिए। हिकिड़ा त रेज़ अहिड़ा हुया जेके काॾे पिया वञनि हेॾे, जंहिंखे असां छा चयो, कैथोड रेस। ॿिया गोल्डस्टीन ऑब्ज़र्व कया त इन्हनि कैथोड रेस त हेॾे आहिनि ई आहिनि, पर इन सां गॾु कुझु अहिड़ा रेस आहिनि जेके हिन तरफ़ टुवर्ड्स त कैथोड वञनि था, ऐं जेके टुवर्ड्स त कैथोड वञनि था उन्हनि खे हिन छा चयो, कैथोड रेस, सॉरी इनखे छा चयो, पॉज़िटिव रेस आर एनोड रेस, पॉज़िटिव रेस आर एनोड रेस, ठीकु आहे। यानि गोल्डस्टीन छा कयो, हिन ऑब्ज़र्व कयो, ही ऑब्ज़र्व द गिलो बैक साइड ऑफ कैथोड, कैथोड जी बिल्कुलु बैक साइड ते हिन छा ऑब्ज़र्व कयो, गिलो ऑब्ज़र्व कयो। ऐं हिन इहो फील कयो त इहो जेको गिलो थिए थो, इहो थिए थो ड्यू टू द पॉज़िटिव रेस। माना हिन चयो त सम रेस आर कमिंग टुवर्ड्स ई कैथोड, जेके कैथोड ॾांहुं अचनि था रेस, टुवर्ड्स ई कैथोड आर कॉल्ड, जिनखे छा चयो, पॉज़िटिव रेस आर एनोड रेस आर केनाल रेस, एनोड रेस आर केनाल रेस, ठीकु आहे। इहे टे हिन जा नाला आहिनि।
तो हाँ ही पॉजिटिव रेज ऑब्जर्व क्या हुआ या एनोड रेज ऑब्जर्व क्या हुआ या ऑब्जर्व क्या हुआ केनाल रेज याद कर छो पॉजिटिव रेज उनके छो चो छो त बिकॉज उनके पॉजिटिव रेज छो चो छो पॉजिटिव चार्ज हुआ तो एक्चुअली जो पॉजिटिव रेज हों दीज आर कंपोज्ड ऑफ दीज आर कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव आयंस ऑफ गैसेस जेके गैस मौजूद होंगी डिस्चार्ज ट्यूब में जैसे पैर कैथोड रेज निकरंदा आहिनि तो कैथोड रेज जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स के लगंदा आहिनि स्ट्राइक कंदा आहिनि तो जो सो स्ट्राइक करण से आयोनाइजेशन थी गैस के मॉलिक्यूल्स की ब प्रोसेस या तो आयोनाइजेशन या तो जो सो एक्साइटेशन तो आयोनाइजेशन एक्साइटेशन थी एक्साइटेशन वे अमल के कर इलेक्ट्रॉन वे बेक ग्लो प्रोड्यूस ये असा फिनोमेना डिस्कस किया आयोनाइजेशन वे अमल से प्रोड्यूस पॉजिटिव आयन्स जे पॉजिटिव आयन्स इतने प्रोड्यूस एक्चुअली वा काे इतने पॉजिटिव आयन्स प्रोड्यूस थे पॉजिटिव आयन्स एक्चुअली काे वा टुवर्ड्स कैथोड नेगेटिव प्लेट में वा जारी गल नेगेटिव प्लेट अट्रैक्टिव थी तो जैसे ये पॉजिटिव आयन्स जैसे कैथोड में परफोरेशन न होंद तो शो ही को पर जैसे कैथोड में जैसे परफोरेशन्स क्यों तो इनको इफेक्ट हो वो बैक साइड ऑफ द कैथोड शो पो थे जैमा यो जाहिर पो थे तो कुछ अड़ा भी रेज आज कैथोड अचन जिनके पॉजिटिव रेज इन जो अच्छा पॉजिटिव रेज छो तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव आयन्स गैस एनोड रेज एक्चुअली हिड़ो इन इम्प्रॉपर नालो छो तो एक्चुअली हि एनोड में इंदा को कैथोड रेज कैथोड में इंदा बाकी एनोड रेज एनोड में कदें भी प्रोड्यूस ना वो एनोड में ना इंदा केनाल जो रेज आन केनाल रेज उनके छो चो तो केनाल ही जी अस परफोरेशन्स गोल्ड स्टीन कई हुई केनाल माना नालू नालू माना सुराख या परफोरेशन्स तो इन कर वर्ड इस्तेमाल कदें कदें कुछ बुक्स में केनाल रेज हि रेज प्रोड्यूस क्या मैकेनिज्म अग में ही पढ़ो थोड़ो मैं हाँ ही बुधा छा तो एक्चुअली जैसे भी कैथोड रे हि जैसे अस कंसिडर क्यों दैट इज अ कैथोड रे कैथोड रे जैसे भी मॉलिक्यूल ऑफ गैस से स्ट्राइक कह तो बमल थी एक्साइटेशन बी थी आयोनाइजेशन एक्साइटेशन वे अमल के अस को कंसिडर क्यों आयोनाइजेशन कें थी इतने इलेक्ट्रॉन हों गैस के मॉलिक्यूल जो तो जी कैथोड रे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कह मॉलिक्यूल के तो इतना इलेक्ट्रॉन निकरी वो जै नतीजे में प्रोड्यूस पॉजिटिव आयन हाँ हि जो हों पॉजिटिव आयन हों ये पॉजिटिव आयन्स प्रोड्यूस उदे वा टुवर्ड्स कैथोड ए प्रोड्यूस कह पॉजिटिव रेज जिनके पॉजिटिव रेज या केनाल रेज चूं था दीज आर दी पॉजिटिव रेज एक्चुअली ठीक है तो लिहाजा ही आए गोल्डस्टीन जो एक्सपेरिमेंट यानी डिस्कवरी ऑफ दी प्रोटॉन गोल्डस्टीन डिस्कवर कर प्रोटॉन के 1886 में उन बाद में अस चौंता पॉजिटिव रेज के कुछ प्रॉपर्टीज से प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज आर प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज ठीक है एनोड रेज या पॉजिटिव रेज प्रॉपर्टीज कड़ी ठीक है पैर दीज आर बेस्ड ऑन आर कंपोज्ड ऑफ दीज आर एक्चुअली पॉजिटिव पॉजिटिव आयन्स ऑफ गैसेस ये एक्चुअली हूँ गैसेस या पॉजिटिव आयन्स हूँ उन बाद में दीज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ ये स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कह कैथोड रेज स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कन पाया उन बाद में ये भी चार्ज पार्टिकल्स तो दीज आर ऑल्सो
दीज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. दीज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कंदी आ छो तो ही भी चार्ज पार्टिकल्स इन पर इन जगह डिफ्लेक्शन होंगी दैट विल बी द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दी जो कैथोड रेज छो तो कैथोड रेज डिफ्लेक्ट थन पाया टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट पे अचन तो ही जी रेज हूँ डिफ्लेक्ट थी टुवर्ड्स दी नेगेटिव प्लेट तो लिहाजा डिफ्लेक्शन जरूर थी. अच्छा दीज ऑल्सो प्रोड्यूस द मैकेनिकल प्रेशर. ऑल्सो प्रोड्यूस the mechanical pressure. mechanical pressure show produce kanda why because these are also material particles because these are je cathode rays hoya because these are also material particles in positive ions in jan jo mass hundo to momentum hundo momentum hundo to kinetic energy hundi to ye properties ran me ayan to lihaza hi kuch properties san discuss kyun उन बाद में असा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इन जी सो पॉइंट आोट कर छो तो नेचर आ रेज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ तो नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज. नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गैस आर नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब. प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब यानी इनकी जगह नेचर आ पॉजिटिव रेज की वह डिपेंड कंदी आ. नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड कंदी आ नेचर ऑफ द गैस से या टाइप ऑफ द गैस से डिपेंड कंदी आ. जैसे तो इन उबतड़ तुम पढ़ी आया तो कैथोड रेज की नेचर कदें भी नेचर ऑफ गैस से डिपेंड ना है कंदी. ठीक है इन बिन्हीं में फर्क आ. अच्छा जैसे नेचर इन पॉजिटिव रेज की नेचर ऑफ गैस से डिपेंड कंदी तो इन ई अपॉन एम रेशो भी ई अपॉन एम रेशो ऑफ पॉजिटिव रेज. पॉजिटिव रेज ऑल्सो डिपेंड कहते कह ऑल्सो डिपेंड ऑन also depend on the nature of gas. And jo e upon m ratio bhi nature of gas te cha kando depend kando so the nature jane depend kando inan ji gas si nature te then jo e upon m ratio bhi inan jo depend kando jane ta padhi aayo to cathode ray jo e upon m ratio nature of the gas te depend nahi kando. jekane asa inan jo e upon m ratio compare kyun cathode rays wari e upon m ratio sa तो जैसे तुम कंपेयर कौ तो ई अपॉन एम रेशो ऑफ ई अपॉन एम रेशो ऑफ कैथोड रेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन पॉजिटिव रेज. यानी अस बन लफ्ज़न में चई सकूँ था तो पॉजिटिव रेज जो ई अपॉन एम रेशो हमेशा घट हों कंखा जो कैथोड रेज के ई अपॉन एम रेशो का तो जे ई अपॉन एम रेशो हों कैथोड रेज जो वो हमेशा हों ई अपॉन एम रेशो ऑफ पॉजिटिव रेज छो तो ऐसो जो अस कंपेयर क्यों ई अपॉन एम रेशो तो याद रखी छो हमेशा कैथोड रेज जो ई अपॉन एम रेशो. कैथोड रेज माना इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड रेज माना इलेक्ट्रॉन्स टू ई अपॉन एम रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन ई अपॉन एम रेशियो ऑफ पॉजिटिव रेज. अच्छा बी गाल इतने नोट करण जी तो कैथोड रेज में मतलब आ कैथोड रेज में मुराद आ इलेक्ट्रॉन्स पर पॉजिटिव रेज में मुराद हरगिज ना है प्रोटॉन्स छो तो पॉजिटिव रेज जे वो मुख्तलिफ़ गैसेज में मुख्तलिफ़ किस्म जहाँ पॉजिटिव रेज हूँ यानी मिसाल जैसे हाइड्रोजन गैस खी थे तो पॉजिटिव आइंस असठा जैसे डिस्चार्ज ट्यूब में हेलियम गैस खी से तो पॉजिटिव आइंस वे डिफरेंट हूँ. हेलियम जो मास डिफरेंट आ तो उन्हों में ठहद आइंस भी उन मास भी डिफरेंट हों
जैसे अस डिस्चार्ज ट्यूब में नाइट्रोजन गैस पुट कई तो नाइट्रोजन गैस में जी नाइट्रोजन गैस की जो आयनाइजेशन में पॉजिटिव आयन्स ठहंदा थोड़ा उन प्रॉपर्टीज डिफरेंट हूँ उनका मास हों डिफरेंट हों लिहाजा पॉजिटिव रेज में इतने मुराद पॉजिटिव आयन्स पॉजिटिव आयन्स प्रोटॉन थी भी सकंदा न भी थी सकंदा। हाँ जैसे अस हाइड्रोजन गैस पुट क्यों तो हाइड्रोजन गैस में इंदर जो पॉजिटिव आयन्स हूँ उन्दा प्रोटॉन्स हूँ बाकी इतने अस फिलहाल टर्म अस यूज क्यों वो क्यों जनरल टर्म। तो जैसे अब ऑर्डर लिखा तो ई अपॉन एम रेशो जैसे लिखा तो पैं वधे वध केंजो आ कैथोड रेज जो कैथोड रेज जो यानि कैथोड रेज के तुम चई सो इलेक्ट्रॉन्स ठीक है उन बाद में पॉजिटिव रेज जो तो हों पर कड़न पॉजिटिव रेज जो पॉजिटिव रेज जो किथा अचन हाइड्रोजन गैस में प्रोड्यूस थन जे पॉजिटिव रेज या पॉजिटिव आयन्स हाइड्रोजन गैस में प्रोड्यूस एक्चुअली हों प्रोटॉन्स हों दीज विल बी छो तो हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो है को तो जो इलेक्ट्रॉन निकली वे तो वो हों सिर्फ प्रोटॉन हों हाइड्रोजन के आयन में तो पॉजिटिव रेज अच्छा जैसे हिं लिखा तो इतने हिं भी लिखी सो पॉजिटिव रेज जिथा असाया मिसाल इतने खी हीलियम गैस हाँ जहाँ कंपेयर कर तो ओवरऑल जो पॉजिटिव रेज आन उन सभी में पॉजिटिव रेज में कैथोड रेज जो ये पान एम रेज हों हों पर जैसे अस खुद पॉजिटिव रेज जो ये पान एम रेशो कंपेयर क्यों गैसेस के हवा से तो वध में वध जो ये पान एम रेशो पॉजिटिव रेज ला हों कें हों हाइड्रोजन ला तो याद कर छो ये पान एम रेशो जो अस बी पॉइंट लिखूँ तो मैक्सिमम ये पान एम रेशो इज फॉर पॉजिटिव रेज coming from hydrogen gas ya obtained from hydrogen gas obtained from hydrogen gas theek a o positive rays ta kehdi bhi gas cha khano unan jo ye pane mere cho cathode rays ka cha hundo ghat hi hundo पर जैसे पॉजिटिव रेज के पाँच पान में उन्होंने ये पान एम रेशो कंपेयर क्यों तो ये पान एम रेशो जो हों हाइड्रोजन में निकल पॉजिटिव रेज हों यानी प्रोटॉन्स हों उन्होंने ये पान एम रेशो वधे वध हों वधे वध जो इतने लिखो है इन कंपेरिजन जो पॉजिटिव रेज के पान में कंपेयर क्यों मुख्तलिफ़ गैसेज के हवा से बाकी इन ये पान एम रेशो पॉजिटिव रेज जो कैथोड रेज का कदम भी ना हों छो तो ये पान एम रेशो में मास जो है डिवीजन में मास हेठा है जैसे मास हेठा है तो जो पार्टिकल गरो हों ओतो ये पान एम रेशो हों घटो हल्के में हल्को इतने पार्टिकल कड़ो है इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज में जो हों तो उन ये पान एम रेशो वध में वा अच्छा उन बाद में असो इन एक्सपेरिमेंट के जरिए जे असा पॉजिटिव रेज हाइड्रोजन में अचन पाया जे अस पॉजिटिव रेज ऑब्टेंड फ्राम हाइड्रोजन गैस जिन्हें डिस्चार्ज ट्यूब में यूज कई वही उचुअली प्रोटॉन्स हुआ इन वे से प्रोटॉन की शादी डिस्कवरी थी जैसे फर्दर इन एक्सपेरिमेंट क्या वह तो प्रोटॉन जो मास वगैरह चार्ज ये मालूम क्या वह तो वॉट इज दी मास ऑफ प्रोटॉन हों 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम या 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम या जो अना एम में लिखण चाहो तो 1.008 AMU उन बाद में जैसे तुम इन चार्ज ऐसो तो चार्ज होंगी साग इलेक्ट्रॉन जो जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज है सागो ही मैग्नीट्यूड है 1.602 × 10⁻¹⁹ कोलम या अन्य बो यूनिट लिखो 4.8 × 10⁻¹⁹ ESU
ईएसयू माना इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट ही सीजीएस यूनिट आ चार्ज इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट ठीक आ। बाकी इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव में होंगी यानी पॉजिटिव में होंगी, बाकी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम आ। जैसे असा इन ई अपॉन एम रेशो यानी चार्ज टू मास रेशो, ई अपॉन एम रेशो मीन्स चार्ज डिवाइडेड बाय मास रेशो जिसूँ, या अस ई अपॉन एम इनके लिखूँ तो ई अपॉन एम रेशो हों 9.58 × 10⁴ कोलम पर ग्राम। तो इलेक्ट्रॉन जो लिखो वो 10⁸ वाले पावर में, यह 10⁴ मन ई अपॉन एम रेशो है घट आ। तो हि प्रोटॉन जहाँ कुछ वैल्यूज आन प्रॉपर्टीज आन जे रखियन याद रखियन, तो प्रोटॉन इन वे से डिस्कवर थोड़ा।